पर मैंने कोशिश की है कि जो भी बच्चे जिनके दिमाग में आ रहा था कि हाँ हमें पंचकर्म ब्रांच लेना है या वो सोच रहे थे ऐसा, तो मैं चाहती थी कि मैं उनको सभी चीज़ें क्लियर कर दूँ सो डेट बाद में उनको रिग्रेट ना होना पड़े, ठीक है, कि मैंने क्यों ले लिया या मैंने दूसरी ब्रांच क्यों ले ली, मुझे पंचकर्म लेना चाहिए था। तो मैंने कोशिश की है कि एक सिंप्लीफाइड वे में मैं क्लियर करती चलूँ। ओके, आई होप सो ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। जैसे कि अगर मैं पिंड सृजन की बात करूँ तो पोटली कैसे बनाना है ना, तो पोटली प्रिपरेशन हो गया आपका, मेडिसिन कितने अमाउंट में लेनी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके कॉन्स की, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा आपको मेडिकल लीगल एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए। फिफ्थ अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको क्लिनिक सेटअप करना है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है क्लिनिक सेटअप में, पंचकर्म क्लिनिक सेंटर में। सो दीज वर फ्यू पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि पंचकर्म एक चैलेंजिंग ब्रांच भी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल कि आप सभी ने इतना प्रेज किया इस चैनल को और पता ही नहीं चला कि कैसे हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं विद इन वन ईयर। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोज आपके साथ मिलाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर आयुर रेस्पेरेंट्स, माइसेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे, डाउट्स आ रहे थे उनके कि वाई टू चूज पंचकर्म, वाई पंचकर्म शुड बी प्रेफर्ड ओवर अदर ब्रांचेस। सो इस वीडियो में हम वही सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि वाई वन शुड प्रेफर पंचकर्म, ठीक है। ऑल दो जितने भी हमारे बाकी ब्रांचेस हैं, चाहे से वो कौमार भृत्य हो, चाहे से वो प्रसूति तंत्र हो, शलाके विभाग हो, एक्सेट्रा, सो इन सभी ब्रांचेस में भी पंचकर्म प्रैक्टिस की जाती है। बट बीइंग अ पंचकर्म स्कॉलर, इन दिस वीडियो आई टेल यू कि हाउ पंचकर्मा ब्रांच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस, फाइन, ठीक है। और वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि इसके जो लैक्यूनास तो नहीं बोलूंगी, लेकिन वो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जो पंचकर्म डिपार्टमेंट अगर आप ऑप्ट करते हैं तो वो भी आपको चैलेंजेस फेस करने को मिलेगा। प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हम बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि पंचकर्मा ब्रांच को लेना एक बेटर ऑप्शन रहेगा या नहीं। सो यस, पंचकर्म एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भरी ब्रांच है, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए या तो जिनका इंटरेस्ट है पंचकर्म में। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यूजी से ही क्लियर होता है ना कि हमें काय चिकित्सा लेना है, पंचकर्म लेना है, प्रसूति लेना है, एक्सेट्रा। सबसे पहले तो इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है ना। तो अगर आपका सोली इंटरेस्ट है कि आपको पहले से आपका माइंड सेट था यूजी से ही कि हाँ मुझे पंचकर्म प्रैक्टिस करनी है, तो बच्चों तो आप ब्लाइंडली पंचकर्म ऑप्ट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपका इंटरेस्ट है, देखो चाहे से हम कितना भी बोल दें कि पंचकर्म ब्रांच जो है वो सभी डिसीजेस के लिए होती है, हाँ, या सभी कंडीशंस के लिए होती है ना, लेकिन बच्चों एक बात माननी पड़ेगी कि पंचकर्म में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको जितने भी वात व्याधि हैं वो वाले पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कि आम वात की बात कर लो, वात रक्त की बात कर लो, वृद्रसी है हमारा, है ना, अपवाहक है, विश्वाची है, कटिगत वात है, कटिशूल है, तो इतनी सारी डिसीजेज हो गई हमारी, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट किसके आएंगे आपको, वात व्याधि के मिलेंगे, है ना। तो अगर कोई बच्चा इन वाले फील्ड में अगर अच्छा काम करना चाहता है तो हाँ पंचकर्मा एक अच्छी ब्रांच रहेगी आप लोगों के लिए, है ना। और एक और ऑप्शन आपके पास है अगर आप इस वाली ब्रांच में जाते हैं, इसमें से भी आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल संधिवात, आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो एक डिसीज को लेकर के उसमें अपना एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस को गेन करते हुए पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, है ना, लेकिन उनका फोकस केवल एक डिसीज़ पर होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप फॉर एग्जांपल जानू संधिगत वात हो गया या फिर आमवात हो गया, है ना, या जो भी आपकी चॉइस ऑफ इंटरेस्ट डिसीज़ है, है ना, पक्षाघात हो गया, तो जो भी आपकी इंटरेस्ट है उस डिसीज़ को लेके आप स्पेसिफिकली भी काम कर सकते हो, है ना। और जब आप नैरो हो जाते हो किसी भी एक फील्ड को लेके तो आप और ब्रॉडली सोच पाते हैं उसके बारे में, है ना, और पॉसिबिलिटीज़ और अच्छे अच्छे आपको आइडियाज़ आने लगते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, फाइन। वैसे तो ऑलरेडी हमारा आयुर्वेद बहुत ही आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, बट फिर भी अभी भी थोड़ा सा टफ कंपटीशन है। आपने देखा होगा अगर आपके पास में आरए के पेशेंट आता है तो वो ऑलरेडी 4 से 5 साल जो है स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट, स्टेरॉयडल मैनेजमेंट लेकर आता है, है ना। तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी भी मॉडर्न मेडिसिन के सामने जो है कॉम्पीट करना, बट अगर आप, मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैं पंचकर्म से इस पेशेंट को ठीक कर सकती हूँ या ठीक कर सकता हूँ, अगर आप इतनी कैपेसिटी रखते हैं तो आप श्योरली बहुत अच्छे से इस ब्रांच को फेथफुली आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, ठीक है।
मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप एग्जांपल दिया था कि आजकल काफ़ी सारे जो यंग जनरेशन है जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई है वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा रहे हैं, जैसे कि आप त्राया का एग्जांपल ले लीजिए, है ना, या फिर केशय आयुर्वेद करके जो है उसका एग्जांपल ले लीजिए। इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा, जैसे हमारे फैकल्टी भी बताते हैं कि बहुत सारे वहाँ पर डॉक्टर्स हैं जो एक स्पेसिफिक जैसे कि मात्रा वस्ती की प्रैक्टिस करते हैं केवल, है ना, या फिर वंध्यत्व उसको लेके स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट करते हैं। तो बच्चों वही है, काफ़ी सारा स्कोप है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ऑनेस्टी विद पंचकर्मा ब्रांच। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न कि आपको पंचकर्म ब्रांच ऑप्ट करनी चाहिए। अगर मैं सेकेंड रीज़न की बात करूँ तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, है ना। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है हमारा, हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम चा, राइट। तो ये तो हमारी बात हो गई थी आतुर की। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मतलब इस चीज़ को लेकर के, और मैं बताऊँ आपको, मैंने इसी वजह से पंचकर्म ऑप्ट किया था क्योंकि मैंने यूजी में सोचा था इस टॉपिक पर कि जो हमारा पंचकर्म विभाग है वो केवल आतुर के बारे में नहीं सोचता है, है ना, वो जो स्वस्थ है उसके बारे में भी उन्होंने प्रॉपर सिद्धांत बताए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए वासंतिक वमन वाला, है ना, तो वसंत ऋतु में जो है वमन इंडिकेटेड है, स्वस्थ पुरुष में आप कर सकते हैं, है ना। तो प्राकृत जो दोषों का जो निर्हरण है वो बताया गया है वहाँ पर, है ना। तो ये केवल आतुर के लिए नहीं है, ये जो स्वस्थ के लिए सिद्धांत बताया गया है वो भी फुलफिल करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में। तो देखिए आजकल की लाइफस्टाइल इस तरीके से हो गई है, सो अगर आप यूजी में हैं या पीजी में हैं या क्लिनिक प्रैक्टिस करते हैं, एनी हाउ आपने ये सुना होगा, दो तीन पेशेंट्स ऐसे मिल ही जाते हैं डेली जो बोलते हैं कि हमें अपनी फुल बॉडी डिटॉक्सिफाई करानी है, है ना। तो उन्होंने कहीं से सुना होगा कि हाँ पंचकर्म जो है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आतुर है, वो डिसीज कंडीशन लेकर आया, लेकिन जस्ट वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की बात करते हैं, है ना। तो इसीलिए एक प्रिवेंटिव मैनेजमेंट के लिए भी पंचकर्म आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप इनडायरेक्टली जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां हैं जैसे कि ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, उन सबको भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप जो है फिटनेस इन पंचकर्म या फिटनेस थ्रू पंचकर्म, है ना, ये वाला कंसेप्ट लेके आगे बढ़ सकते हैं, ये भी एक अच्छा फील रहेगा। ओके, अगर मैं थर्ड रीज़न की बात करूँ या थर्ड ऑप्शन की बात करूँ, तो देखिए ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना, उसमें आयुर्वेद जब हम बोलते हैं तो पंचकर्म वर्ड से ही उन्हें आइडेंटिफाई हो जाता है, है ना। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमें पंचकर्म कराना है, है ना, चाहे से वो फर्स्ट टाइम ही क्यों ना ओपीडी विजिट करे, अगर उनको हेडेक की भी कंप्लेंट है, सो दे नो वेरी वेल कि हाँ अगर हम शिरोधारा करेंगे तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, वो डायरेक्टली आके बोलते हैं कि हाँ हमें पंचकर्म करा दो। तो एक मैं बोलूँ ये बहुत ही ज़्यादा आजकल फेमस हो रही है, पेशेंट के बीच में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है पंचकर्म को लेकर, उनको पहले से ही पता है, है ना। तो हमें ज़्यादा प्रमोशन करने की भी नीड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ रीज़न की तरफ। तो देखिए बच्चों, अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो पंचकर्म का बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, है ना, ये सिर्फ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अगर आप रिसर्च की फील्ड में भी जाएंगे तो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आप जो भी पंचकर्म थेरेपी होती हैं, है ना, उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, होगा क्लासिकल वे में ऑफ कोर्स, बट जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनको आप एक इनोवेटिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने क्लिनिक पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा अपने हॉस्पिटल्स में भी आपको ऑटोमेटेड आजकल शिरोधारा यंत्र मिल जाएंगे, है ना, ऑटोमेटेड जो है आपको कषाय धारा सर्वांग पिंडी चली, इन सब के लिए भी आपको जो है ऑटोमेटेड टूल्स मिलेंगे, तो आप न्यू इनोवेटिव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये भी फील्ड अच्छी है, डिमांडिंग है, आज की अगर मैं नीट की, अगर सोसाइटी की नीट की ध्यान में नीड को ध्यान में रखते हुए बात करूं तो ये भी बहुत अच्छा फील्ड हो सकती है, रिसर्च फील्ड। ठीक है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे पहले पूछ रहे थे कि पंचकर्म दूसरे ब्रांचेस से कैसे अलग है, क्योंकि सभी बाकी की जो ब्रांचेस जैसे मैंने बताया था कौमार, भ्रतयुगे, प्रसूतियुगे, वो सभी भी पंचकर्म कराते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट, हमारा पंचकर्म अलग क्यों हुआ, है ना। तो देखो बच्चों, आपने यूजी में अगर देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो जब भी हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेना होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो, अगर मान लीजिए आप शलाके में आपकी पोस्टिंग लगी है, ठीक है, आपके पास में कोई केस आया, फॉर एग्जाम्पल यूवीआईटिस का आया, ठीक है, यूवीआईटिस में आपको जो है ये अपना विरेचन कराना है, ठीक है, विरेचन प्लान कर दिया, तो विरेचन करने के लिए पेशेंट की कंडीशन फिट है, इफ़ द पेशेंट इज़ फिट और नॉट, ठीक है, ये फर्दर घूम फिर के पंचकर्मा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो ही बताएगा, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो एक पंचकर्म कंसल्टेंट या पंचकर्म डॉक्टर का ही लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि शलाक्य फील्ड में भी अक्षी तर्पण या आपका कवल, गंडूश, एक्सेट्रा, ये सभी प्रैक्टिस होती हैं,
तो वो सोलेली पंचकर्म करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है, ठीक है, चेक करने के लिए कि अगर पेशेंट जो है कोई भी संशोधन के लिए या एक्स वाई जेड के लिए फिट है या नहीं, ठीक है। दूसरा, जब आप पंचकर्म में होते हैं, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर पीजी में एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो आपका जो कनेक्शन होगा किससे, पंचकर्म प्रोसीजर्स के साथ, वो डायरेक्टली होता है बच्चों, आपको जो है डायरेक्टली पेशेंट्स पर थेरेपी करने को दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप पिंड शोधन करना, आपको पिंड शोधन करना है, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रेशर किस पेशेंट पर कितना प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है, अभ्यंगी कौन कौन सी पोजीशंस होती है, ठीक है। तो वो जो पंचकर्मा स्कॉलर होगा, जो पंचकर्मा पीजी स्कॉलर होगा, वो ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस, ठीक है, तो वो प्रोसीजर से ज़्यादा कनेक्टेड है, ओके। दूसरा, कौन सी मेडिसिन कितने अमाउंट में लेनी है, ये एक पंचकर्म जो प्रैक्टिस कर रहा होगा उसको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। जैसे कि अगर मैं पिंड शोधन की बात करूँ तो पोटली कैसे बनाना है ना, तो पोटली प्रिपरेशन हो गया आपका, मेडिसिन कितने अमाउंट में लेनी है, ठीक है। दूसरा, प्रोसीजर का मैंने आपको समझा ही दिया है ना, कि प्रोसीजर कैसे करना है, या बस्ती दान विधि हो गया, दूसरा संशोधन काल हो गया, एक्सेट्रा, संसर्जन की इंपॉर्टेंस हो गई, तो वो ज़्यादा अच्छे से पंचकर्म वैद्य समझ सकता है, समझ गए। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जब आप बीइंग अ पंचकर्म स्कॉलर, जब आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, आप अपनी 3 साल की ग्रेजुएशन में डेफिनेटली कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ज़रूर देखें, तो जब आप कोई कॉम्प्लिकेशन देखते हैं ना, तो आप और ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल बस्ती एडमिनिस्टर कर रहे होंगे पेशेंट को, है ना। सो दीज वर फ्यू पॉइंट्स जो आप ध्यान रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि क्यों एक पंचकर्म स्कॉलर जो है, या एक पंचकर्म ब्रांच जो है, कैसे दूसरी ब्रांचेस से डिफरेंट हो सकती है, है ना। ऐसा नहीं है कि एक जो बीएमएस स्टूडेंट है, जो बीएमएस पास करके आया है, जो डॉक्टर है, वो पंचकर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बट बाय द टाइम जो उनका एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं जो है वो लेसर होगा एज कम्पेयर टू जो एक पीजी पंचकर्म करके आए हैं, है ना। तो डिफरेंस तो आता है बच्चों, बट यही है जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उनको थोड़ा सा अगर आप प्रेफरेंस देंगे तो बेटर रहेगा। और यहाँ पर प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड, ठीक है, कि हमारी ब्रांचेस को, अगर कोई और दूसरा ब्रांच वाला इस वीडियो को देख रहा है कि हमारी ब्रांच को क्यों इतना ये कर रहे हैं, कंपैरेटिव उसमें ले रहे हैं। देखिए, अगर मैं पंचकर्म डिपार्टमेंट से हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रसूति वाला जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे से ऑनेस्टी के साथ कर पाऊँ, ठीक है, या मेरा जो होल है वो कमर भृत्य पर अच्छा होगा, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, है ना। तो अपनी फील्ड में जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं, जो भी आप ब्रांच चूज करते हैं, अपने सब्जेक्ट में 100% दीजिए, ठीक है, वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जो भी बच्चे जिनके दिमाग में आ रहा था कि हाँ हमें पंचकर्म ब्रांच लेना है, या वो सोच रहे थे ऐसा, तो मैं चाहती थी कि मैं उनको सभी चीज़ें क्लियर कर दूँ, सो डेट बाद में उनको रिग्रेट ना होना पड़े, ठीक है, कि मैंने क्यों ले लिया, या मैंने दूसरी ब्रांच क्यों ले ली, मुझे पंचकर्म लेना चाहिए था। तो मैंने कोशिश की है कि एक सिंप्लीफाइड वे में मैं क्लियर करके चलूँ, ओके। आई होप सो ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। अब कोई भी सब्जेक्ट होता है या कोई भी फील्ड होती है, इनफैक्ट इस ब्रह्मांड पे कोई भी चीज़ उसकी प्लस माइनस दोनों होते हैं, है ना, हेड एंड टेल हर कॉइन में होता ही होता है, ओके। तो अब हम बात करेंगे इसकी कॉन्स की, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो हम बात करेंगे। हमारे जो फैकल्टी हैं, जो रिस्पेक्टेड हमारे टीचर्स हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि पंचकर्म जो है वो सर्जरी विदाउट एक्सीजन है, है ना, सर्जरी विदाउट इंसीजन और एक्सीजन। तो ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि जितना इम्पॉर्टेंट, कि जितना क्रिटिकल एक सर्जरी डिपार्टमेंट होता है, या सर्जरी में एडमिटेड पेशेंट होता है, जितनी उसकी क्रिटिकल केयर होती है, उतनी ही सेम हमें कॉशियस होकर पंचकर्मा भी कराना चाहिए, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ये चैलेंजिंग रहता है कि इसमें हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये अगर आप पहला पॉइंट ही सोचकर घबरा गए कि अरे इसमें तो व्यापक हो सकते हैं तो हमें ये वाला फील नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। देखो, व्यापक कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इन सभी ब्रांचेस की बात करूं तो जो प्रोबेबिलिटी है वो इसमें आपको जो पंचकर्म विभाग है उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इट डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस, इट डिपेंड अपॉन योर क्लिनिकल एक्सपोजर, है ना, कि आपने अपना यूजी में पीजी में कितना सीखा होगा, ऑब्वियसली उसी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे हर पॉइंट यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है कि आपको कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि ये जो आपके 3 साल हैं, है ना, सब चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, है ना। दूसरा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया व्यापक के बारे में, किसमें व्यापक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसीलिए जो मेडिको लीगल जो एस्पेक्ट है वो भी इसमें देखने को मिलता है, है ना। तो थोड़ा सा हमें उसमें मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। आपको सेफली ऐसा ट्रीटमेंट रखना है जिसमें आप सेफ रहें, जो हमारे संहिताओं में बताया गया है ना। अगर आप एक सेफ
डॉक्टर या मैं कहूँ एक सेफली आप अपना क्लिनिक रन करना चाहते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी कि जो संहिता में मेंशन है आप उसको फॉलो करते हुए पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको मेडिकल लीगल एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए। फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे एरिया से हैं या फिर आप ऐसी किसी जगह पर क्लिनिक सेटअप करना चाह रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी पंचकर्मा फील्ड से काफ़ी सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे केसेस में आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, ठीक है, कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं पंचकर्म डिपार्टमेंट में, ओके। और अगर ऐसे एरिया में आप भी वही सेम चीज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर सोचने वाली बात है, ठीक है, वहाँ पर आपका स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है। फिफ्थ अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको क्लिनिक सेटअप करना है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है क्लिनिक सेटअप में, पंचकर्म क्लिनिक सेंटर में, कि यहाँ पर आपको जो है बहुत सारा मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। क्योंकि जब भी आप क्लिनिक सेटअप कर रहे हैं तो कम से कम आपको दो द्रोणी की नीड पड़ेगी, कम से कम, एटलीस्ट स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दो द्रोणी की नीड पड़ेगी, है ना। कम से कम आपके पास में टू टेक्नीशियन तो अवेलेबल होने चाहिए एटलीस्ट, है ना। नेक्स्ट, जितने हमारे टूल्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, चाहे से वो बेसिक टूल की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट वो भी होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लिनिक सेटअप थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इन शॉर्ट। तो ये एक चैलेंजिंग बात है। सेकेंड जो चैलेंजिंग रहता है पंचकर्म में वो है पेशेंट कन्विंसिंग। आपको कोई ऐसी कंडीशन मिल गई जहाँ पर बिना बस्ती दिए पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिना बस्ती आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, ऑब्वियसली आप उसमें संशमन चिकित्सा करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ एकाध ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपको बस्ती चिकित्सा देना नेसेसिटी हो जाता है, है ना, और वो पेशेंट डिनाय कर रहे हैं बस्ती के लिए, तो पेशेंट को कन्विंस करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, है ना। स्पेशली फीमेल पेशेंट जो है वो डिनाई कर देते हैं बस्ती के लिए या वमन के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको चैलेंजेस मिलेंगे जहाँ पर पेशेंट ने डिनाई कर दिया है, तो वहाँ पर आपको कैसे किस पेशेंट को कन्विंस करना है वो सब आना चाहिए। सो दीज वर फ्यू पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि पंचकर्म एक चैलेंजिंग ब्रांच भी है, ऑल दो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत स्कोप है, है ना। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया, हर एक कॉइन का हेड और टेल होता ही होता है, तो यहाँ पर भी हमने प्रोज एंड कॉन्स पंचकर्म के डिस्कस किए हैं, कैसे ये वाली ब्रांच दूसरी ब्रांचेस से अलग थी, ये सभी हमने इस वीडियो में देखा। और आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक पंचकर्म ब्रांच दूसरी ब्रांच से अलग होती है, ठीक है। तो अभी आई थिंक किसी के मन में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमें कौन सी ब्रांच प्रेफर करनी है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, एंड इफ दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू देन यू कैन हिट द लाइक बटन एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक, मे यू गेट योर डिजायर्ड सीट। नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात करेंगे कि आई आई की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास लेकर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी कि आई आई की वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। एक प्रेफरेंस ऑर्डर में हम लेकर आएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सी ब्रांच आपको जो है वो प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहते हैं कि आई आई की नॉन क्लिनिकल ब्रांच हमें लेनी है या क्लिनिकल लेनी है, दूसरे इंस्टीट्यूट की कंपैरेटिवली इसकी नॉन क्लिनिकल ब्रांच कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, है ना। तो वो सारे हम डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करने वाले हैं, और साथ में हम काउंसलिंग फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो काउंसलिंग के स्टेप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। काफ़ी सारे बच्चे वो भी कमेंट कर रहे थे।